Hello everyone. I am Monica. In this video, I am going to explain The Retreat, a poem by Henry Vaughan. Henry Vaughan was born in 1622 in Wales. He was educated at Oxford and studied law, but finally he became a physician and practiced in his native Wales. Although he was a product of metaphysical school, but his poem the retreat is free from the claptrap of metaphysical conceits and allusions. The retreat is a super combination of the poet's unique vision and carefully planned structure of the poem. In this poem, he regrets the loss of the innocence of childhood. Retreat. Retreat means going back. While everyone wants to go forward in his or her life, but the poet wants to go back. He wants to go back. वन ही वॉज अ चाइल्ड जहाँ हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वहीं हैंनरी वॉन ने अपनी विश दिखाई है इस पोएम में कि वो अपने बचपन के दिनों में वापस जाना चाहता है रिट्रीट वापस जाना गोइंग बैक ही रिग्रेट्स द लॉस ऑफ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड सो लेट्स स्टार्ट द पोयम हैप्पी दोज अर्ली डेज़ वन आई शाइंड इन माई एंजल इन फैंसी अर्ली डेज़ हेयर यूज्ड फॉर चाइल्डहुड बचपन एंजल फरिश्ता इन फैंसी बचपन एंजल इन फैंसी फ़रिश्ते जैसा बचपन तो यहाँ पोइट कहते हैं कि मैं अपने बचपन के दिनों में बहुत खुश था जब मैं एक फरिश्ते की तरह चमक रहा था बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस दिस प्लेस इज हेयर यूज फॉर दिस वर्ल्ड अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस सेकेंड रेस मीन्स संसार में दूसरा जन्म बट अवॉइड और टोट माई सोल टू फैंसी ओट बट अवॉइड सेलेस्टियल थॉट बचपन का समय वो समय था जब इस संसार में मेरा दूसरा जन्म नहीं हुआ था जब मैं अपने इस दूसरे घर में नहीं आया था यहाँ पोइट कहते हैं उसका पहला घर था स्वर्ग और उसका दूसरा घर है ये संसार तो जब वो इस संसार में नहीं आया था मीन्स जब उसे इस संसार की समझ नहीं थी जब उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी उस वक्त वो बहुत खुश था जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने मन के साफ होते हैं उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती तो उसी सेंस में यहाँ पोइट ने कहा है कि जब मैं बच्चा था मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी तब मैं बहुत खुश था मीन्स मैं अपने बचपन में बहुत खुश था और टोट माई सोल टू तो फैंसी ओट बट अ वाइट सिलेस्टियल थॉट फैंसी मीन्स कल्पना करना बचपन वो टाइम था जब मेरे मन ने शुद्धता के अलावा किसी भी और टॉपिक के बारे में नहीं सोचा था कि मींस जब मैं सिर्फ़ शुद्धता साफ़ मन था मेरा और मैंने किसी और सांसारिक चीज़ के बारे में नहीं सोचा था वो मेरा बचपन का समय था सो हेट द पॉइंट्स सेज दैट द डेज़ ऑफ हिज चाइल्डहुड were full of purity and innocence of an angel. At that time he did not know anything about this world. His first home is heaven and second home is this world. In his childhood he did not think of anything except the purity of heaven. When yet I had not walked above a mile or two from my first love and

म का एच अगर कैपिटल है तो वो मोस्ट प्रोबेबली गॉड के लिए यूज़ किया जाएगा भगवान के लिए यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पॉइंट कहते हैं कि अभी मैं थोड़ी सी ही दूर आया था मीन्स मैं स्वर्ग से आया और इस दुनिया में स्वर्ग जो मेरा पहला प्रेम था मैं वहाँ से आया और अभी इस दुनिया में मैं थोड़ी ही दूर आया था एंड लुकिंग बैक और मैंने पीछे मुड़कर देखा एट दैट शॉर्ट स्पेस उस थोड़े सी जगह में कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस मुझे भगवान के चमकदार चेहरे की जो झलक है मैं वो देख सकता था कि मीन्स मैं अभी स्वर्ग से आए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था मीन्स मैं अपने बचपन में ही था अब जैसे कहते हैं कि बच्चों को भगवान जल्दी दिखते हैं किस लिए दिखते हैं क्योंकि उनका जो हार्ट है वो प्योर होता है शुद्ध हृदय होता है उनका तो यहाँ एक कल्पना की है कवि ने कि अभी तो मैं स्वर्ग से आए मुझे कुछ ही वक्त हुआ था जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं भगवान का चमकदार चेहरा साफ़ रूप से देख सकता था मीन्स अपने बचपन में मैं भगवान को रियलाइज़ कर सकता था वेन ऑन सम gilded क्लाउड और flower माई गेजिंग सोल वुड dwell एन आर Gilded मीन्स सुनहरी गेजिंग देखती हुई dwell रहना ग्लोरीज शान सुंदरता स्पाई देखना सम शेडोज ऑफ eternity eternity मीन्स अनंतता शेडोज़ परछाई, when वेन ऑन सम cloud क्लाउड और फ्लार माई गेजिंग सोल वुड and एन आर एंड इन दोज वीकर ग्लोरियस पाई सम शेडोज ऑफ अटर्निटी कवि कहते हैं कि जब मैं किसी सुनहरे बादल या सुंदर फूल को लगभग एक घंटे तक अगर देखता रहता तो उस वक्त मैं रियलाइज़ करता था उस समय को जो मैंने स्वर्ग में बिताए हैं मीन्स बादल फूल इनमें भी मुझे एहसास होता उन खुशी के दिनों का जो मैंने स्वर्ग में बता में बिताए हैं हालांकि बादल और फूल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाए लेकिन कवि फूल और बादलों को लगभग एक घंटे तक अगर देखता है तो उसको अपने पीछे के जीवन में जो उसने स्वर्ग में दिन बिताए थे उनका आभास हो जाता था मीन्स वो बहुत खुश हो जाता था सो द पोएट सेज दैट ही कुड स्टिल सी द ब्राइट फेस ऑफ गॉड फ्रॉम दैट शॉर्ट डिस्टेंस हिज सोल वुड कीप लुकिंग एट द ब्यूटिफुल क्लाउड एंड फ्लावर इन विच ही कूड सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हैवेनली ग्लोरी द पोइट कॉल्स द क्लाउड एंड फ्लावर एज विकर ग्लोरीज बिकॉज दे बिलोंग टू द अर्थ क्योंकि बादल और फूल इस धरती से संबंध रखते हैं इसी लिए कवि उनको कमज़ोर सुंदरता विकर ग्लोरी कमज़ोर सुंदरता कहकर बुलाते हैं बिफोर आई टोट माई टंग टू वाई कॉन्शियस विद अ सिनफुल साउंड और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस but felt through all this fleshly dress bright shoots of everlastingness wound means घायल करना conscience means चेतना आत्मा sin पाप black art black art वैसे तो हम यूज करते हैं काला जादू के लिए लेकिन यहाँ ब्लैक अगर मैजिक होता तो तो वो कला जादू के लिए यूज़ करते यहाँ ब्लैक आर्ट है तो यहाँ मकारी के लिए बुराई के लिए डिस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना सेवरल सिन अनेक पाप फ्लैशली ड्रेस फ्लैशली यहाँ मास के लिए यूज़ किया गया है ड्रेस मींस भौतिक शरीर शूट्स मींस शाइन चमक एंड एवर लास्टिंगनेस अनंतता पोइट अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे बचपन का टाइम वो टाइम था जब मेरी टंग ने जब मेरी जीव ने किसी भी पापपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया था जब मेरे शब्दों ने कभी भी किसी को घायल नहीं किया था बच्चे का मन साफ़ मन होता है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम दूसरों का अपनी बातों से मन दुखाने लग जाते हैं हम देखा जाए तो हमें समझ आ जाती है लेकिन वो समझ कई बार हम दूसरों को आघात करने के लिए भी यूज़ करते हैं लेकिन बचपन के दिनों में ऐसा नहीं था तो यहाँ पॉइंट कहते हैं कि बचपन का समय वो समय था जब मेरी जीव ने जब मेरे बोल ने कभी भी कोई पाप से भरे हुए शब्द नहीं बोले थे जो किसी को घायल करें जो किसी की अंतरात्मा को कष्ट पहुंचाएं। ना ही उस समय मेरा स्वभाव ऐसा पाप वाला था जो अडल्ट होने के बाद मनुष्यों का हो जाता है एवरी सेंस वी ऑल हैव फाइव सेंसेस हम सब में पांच चेतनाएं हैं और उन चेतनाओं की संतुष्टि के लिए हम सही गलत काम करते रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव सेंस ऑफ टेस्ट टेस्ट की जो हमें हम सेंस है अब उस सेंस को सेटिस्फाइड करने के लिए हम कुछ भी खाते जाएंगे जो हमारी जीभ को अच्छा लगेगा हो सकता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरा हो जैसा कि आज के टाइम में पिज़्ज़ा, बर्गर या ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई तो उस कंडीशन के अंदर अडल्ट होने के बाद हम अपनी सेंस की सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम कर रहे हैं ये चीज़ उस वक्त नहीं थी जब मैं बहुत छोटा था सेंस ऑफ हियर सेंस ऑफ साइट सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ स्मेल वी ऑल हैव दीज फाइव सेंसेस तो मनुष्य अपने इन पांचों सेंसेस को सेटिस्फाइड करने के लिए हर तरह का काम करता रहता है कुछ काम उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं कुछ काम उसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन पोइट कहता है कि उन दिनों जब वो बहुत छोटा बच्चा था उस वक्त उसने अपने शरीर के द्वारा अनंतता की तीर्व किरणों को महसूस किया था सो द पोइट्स सेज दैट हिज हैड नॉट yet learned to utter the sinful sound his words did not hurt anybody he had taught his senses to commit any sin his whole body felt the brightness of eternity and heavenly presence oh how i long to travel back and tread again that ancient track the poet is eager to walk. ऑन द पाथ ऑफ हिज अर्ली डेज एंड एंजॉय द ग्लोरीज ऑफ हेवन वंस अगेन कभी दोबारा से उस रास्ते पर वापस जाना चाहता है उस पुराने रास्ते पर वापस जाना चाहता है जहाँ से वो होकर गुजरा है और एक बार फिर से वो वही आनंद लेना चाहता है दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन पोइट कहता है कि मैं उसी प्लेन रास्ते पर उसी रास्ते पर वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने उन यादों को पीछे छोड़ा किन यादों को फ्रॉम वेंस द इनलाइट एंड स्प्रिट सीज़ दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज जिन्होंने मेरी इनलाइटेंड एंड स्प्रिट प्रकाशित आत्मा को स्वर्ग का दृश्य दिखाया और जहाँ पाम के बड़े बड़े पेड़ थे जहाँ ताड़ के बड़े बड़े पेड़ थे जहाँ से मैं आया था मीन्स स्वर्ग सो द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द मेमरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विच ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड बट आ माई सोल विद टू मच स्टे इज़ ड्रंक एंड स्टैगर्स इन द वे सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन लव बट आई by backward steps would move, and when this dust falls to the urn, in that state I came return. Stay means ठहरना, staggers लड़खड़ाना. Forward motion आगे की तरफ बढ़ना, backward पीछे की तरफ. urn अस्थिकलश, मरने के बाद जब मरने वाले व्यक्ति की अस्थियों को एक कलश में डाला जाता है तो वो होता है अस्थि कलश अर्न इन दैट स्टेट स्टेट मीन्स अवस्था बट आह लेकिन अफसोस मेरी आत्मा इस भौतिक संसार में बहुत समय तक रहने के कारण लड़खड़ा रही है और वापस नहीं जा सकती अपने बचपन में कुछ लोग आगे की ओर बढ़ना पसंद करते हैं फॉरवर्ड मोशन के कुछ लोग आगे की ओर बढ़ना पसंद करते हैं लेकिन मेरी इच्छा वापस जाने की है बचपन के दिनों में वापस जाने की है एंड वेन दिस डस्ट फॉल्स टू द अर्थ और जब मेरी मिट्टी अस्थि कलश में चली जाए मीन्स means... मृत्यु के बाद मुझे दफनाया जाए तो मेरी इच्छा है कि मेरी आत्मा उसी शानदार अवस्था में स्वर्ग में वापस जाए जिस अवस्था में वह वहाँ से आई थी मीन्स पोइट जिस इनोसेंस जिस प्योरिटी के साथ इस दुनिया में आया था वो उसी इनोसेंस और उसी प्योरिटी के साथ इस दुनिया से जाना चाहता है So here the poet says that people wish to advance forward in his or her life but he wants to go back he wants to go back to the days of his childhood he says that when he dies and has been buried he wished his soul to return to heaven in the same glory state in the same glorious state in which he it came from there so in the retreat the poet regrets the loss of his childhood. in childhood life was lived in close contact with god. at that time he was innocent, but now he is surrounded by materialism. thank you.